बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने निकाह केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है, खावंद और बीवी का मामला सियासी बनाया गया। हमारे लीडरों और असीरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। JUI अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हुई। ऑपरेशन का ऐलान वक्ती इश्तियाल के बायस उजलत में किया गया। रियासत के मामलात धमकियों से तय नहीं होते। मुसल्ला तंजीमों को पुरमन रास्ता देने पर इत्तेफाक हुआ था, ये सब क्यों ख़त्म किया गया? बजट के तहत पेंशन स्कीम में तब्दीलियों की तफसील सामने आ गई। पेंशनर की वफात के सिर्फ 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से मुलाजिम पेंशन का हकदार होगा। IMF से मुशावरत के बाद अखराजात कम करने के लिए ये तजावीज़ तैयार की गई। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया। ताखीर से शुरू होने वाले मैच में इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी। भारत ने 8 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बना लिए।